भाई में जिन मेहमान नितसन नौजवान शामिल हैं, अगर इस तरीके का साबित हो सकता है, वरना खुदा ना खास्ता हमारे समाज के नौजवान गलत और इंट्रोडक्शन था। अब जो है शो करवाएंगे पहले 60 कैटेगरी के, उसके बाद डू योर फर्स्ट डबल बाइसेप्स पोज। ओके रिलैक्स। Okay. Do. उन्होंने अपना काम किया, आगे का काम और मैं अपने उनको मैं दावत देना चाहूंगा। मिस्टर शकील अहमद आर्मी कैटेगरी के जो विनर हमारे हैं, मेहराज की एक बार तालियां बजाएंगे। हमारे साथ रनर अप इस कोलकाता मुकरनम से इनकी एक परंपरा रही है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे सब डिवीजन में करते आ रहे हैं, बी रन फॉर फन। यहाँ पे जो कंगन में अभी बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है अभी आर्मी की तरफ से, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ऐसे इनक्रेजमेंट मिलती है हर एक लड़के के लिए, जो कि अभी यहाँ पे हमें इक्विपमेंट नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिम अच्छा नहीं है, तो अब हम आधे गांधरबल जाते हैं, आधे यहाँ पे भी आते हैं, आधे यहाँ लोकल जिम्स भी है, लेकिन वो इक्विपमेंट नहीं है जो अभी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, कंगन में होनी चाहिए, कंगन तहसील में। तो अब हम लड़कों में बहुत शौक है बॉडी बिल्डिंग का, बिल्कुल। अभी जिम है यहाँ पे, देखो इन्होंने बॉडी बिल्डिंग शो के लिए किया, वो हम शुक्रगुजार हैं इनका। तो ये एक एनकरेजमेंट मिलती है लड़कों के लिए। आज आपको पता है हमारी 24 RR एक्टिव रही है इलाके में, ये करते रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे रन फॉर फन भी कुछ दिन पहले किया, आज उसकी उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी थी, ये बॉडी बिल्डिंग का जो हमारे बच्चे इसका शौक रखते हैं तो उनके लिए एक स्टेज फराहम किया। तो ऑब्वियसली ये खुशायंद कदम है, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है COVID-19 की वजह से क्या हो रहा है, सब नेगेटिविटी छाई हुई चारों ओर तरफ, तो ऐसे में इनको ये प्लेटफॉर्म देना और एक मैसेज भेजना कि हम कर सकते हैं, तो बैठे बैठे नहीं हो सकता है, वी हैव टू वर्क, और हेल्दी माइंड्स के साथ हेल्दी बॉडी भी होनी चाहिए। तो इट इज़ नाइस, इट इज़ एनकरेजिंग, इट इज़ अप्रिशिएबल कि चारों ओर एक ऐसी मैसेज गई, एक ये कि ये जो हमारी फौज है, हमारी 24 RR है, अपनी जो इनकी रूटीन का काम है, इनकी जो ड्यूटी है, इन एडिशन टू दैट कि ये लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों को साथ कनेक्ट होते हैं ग्रास रूट लेवल के साथ, स्पेशली प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू द यूथ, इट इज़ एप्रिशिएबल।